इंडियन स्कूल सिस्टम इज़ सो फक्ड राइट नाउ। और मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक सेपरेट टॉपिक है, मैं वो इस चैनल पे नहीं मेंशन कर सकता ऑब्वियसली कि पढ़ाई ऐसी होती पढ़ाई वैसी होती, वो उसको छोड़ो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो अलग बात है। मैं बस एक एज अ मैन के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, गर्ल्स के लिए इंडियन स्कूल इज़ नॉट सो बैड, ठीक है, पर लेकिन बॉयज़ के लिए इतनी गंदी चीज़ है इंडिया के स्कूल्स, इतनी गंदी चीज़ है। और मैं अपने स्कूल के एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, आई डोंट नो तुम्हारे स्कूल में ये होता था कि नहीं, मैं अपने स्कूल की एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे स्कूल में इतना गंदा सिस्टम था, बॉयज़ को कम्प्लीटली एक जैसा बना दिया था, जस्ट लाइक शीप्स। और मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, स्कूल में बैग लेके जा रहे हो, स्कूल से खरीदना है, एक ही रंग के बैग सबके पास, बोतल ले रहे हो स्कूल से खरीदनी है, या फिर एक प्लेन प्लास्टिक की बोतल होनी चाहिए विद नो स्टिकर्स एट ऑल, कॉपी लेनी है वो भी स्कूल की ही मिलेगी प्रिंटेड, जिस पे स्कूल का नाम होगा बहुत बड़ा। अगर तुम्हें पानी पीना है ना, तुम्हारी बोतल तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम्हें बोतल अपनी खिड़की पे रखनी पड़ेगी। और तुम्हें पीरियड के बीच में पानी पीना है, मैम मैं ड्रिंक वाटर हाथ आगे करके फिर पानी पियोगे, तुम्हें वॉशरूम जाना है, मैम मैं आई गो टू वॉशरूम, और मैडम के मन पे डिपेंड करता है तुम वॉशरूम जाओगे या नहीं। भाई कम ऑन यार, मेरी बॉडी है, हु द हेल आर यू टू टेल मी कि मैं वॉशरूम जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। परमिशन लेना, मैं अपना टिकट दिखा रहा हूँ, तुम हाँ बोलो ना, पर नहीं अभी तो जाके आए, पढ़ाई नहीं करते हो, नहीं अभी सिलेबस बचा है, लाइक मैं अपना मुंह रोक दूँ, कम ऑन, कुछ भी बीमारी डालूँ शरीर में, शरीर का टॉक्सिक मटेरियल जो निकलना चाहता है बाहर उसको जबरदस्ती रोक के छोड़ूँ तेरे सब्जेक्ट के पीछे। पानी पीना, मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, प्यास लग रही है, मैं खड़ा होकर तेरे से पूछूँ कि पानी पी रहा हूँ, फिर भी तू मना करेगी, मना करेगा, इजंट दिस रॉन्ग। लंच ब्रेक होती थी स्कूल में, वी पीपल यूज टू सिट विद आवर फ्रेंड्स, जो कि अलग अलग सेक्शन में होते थे, कुछ सीनियर्स होते थे, कुछ जूनियर, सबका अपना ग्रुप होता था। बट माई स्कूल डिड वॉज, उन्होंने सारे के सारे बच्चे सेक्शन वाइज सर्कल में बिठाना शुरू कर दिए स्कूल के ग्राउंड में। आधे घंटे की लंच ब्रेक देते थे कुत्ते, उसमें बोलते थे सेक्शन ए 8th क्लास के बच्चे एक ग्रुप में बैठेंगे, सेक्शन बी के एक में, 9th के भी इस तरह, 10th के भी, मतलब जूनियर से लेकर सीनियर तक सब सेक्शन वाइज एक ग्रुप में रोल नंबर वाइज बैठेंगे, लाइक जीरो फ्रीडम एट ऑल। अगर तुम बच्चे हो और तुम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो तो तुम क्या करते हो? मैं जिस स्कूल से आया था उस स्कूल में क्या होता था कि तुम्हारा बर्थडे है, तुम घर के कपड़े पहन के जाते हो या बाहर के कपड़े सुंदर वाले ड्रेस नहीं पहन के जाते हो, और वहाँ पर जाके तुम लोग दूसरी क्लासेस में जाते हो, टॉफ़ीज़ बांटते हो। मेरे स्कूल में वो कम्प्लीटली बैन था। जब मैं फर्स्ट टाइम अपने स्कूल में गया, जो कि कॉन्वेंट स्कूल है माइंड यू, वहाँ पर मैं गया मैं अपने ड्रेस पहन के बर्थडे वाले दिन, मेरे को टीचर ने डांटा, बोला व्हाट आर यू डूइंग, हमारे स्कूल में नहीं चलता, ये कोई गरीबों का स्कूल है। इमेजिन द ऑडेसिटी ऑफ देम सेइंग दिस, कि मैं बाहर के कपड़े पहन के आया था, मैं गरीब हूँ, और मैं टॉफ़ी लेके आया था, मेरी टॉफ़ी छीन ली और मेरे को छुट्टी के टाइम वापस कर दी, बोला ये यहाँ पर नहीं बांटी जाएगी। मतलब किसी भी तरह का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था ही नहीं स्कूल में, तो मैं लिटरली रोबोट्स बना के रख रहे थे वो। और आई डोंट नो तुम्हारे स्कूल में होता है नहीं, पर अगर इसका 10% भी होता है तो उसका क्या मतलब है? वो स्कूल्स कुछ नहीं है बट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स हैं, कि तुम्हें एक तरह से जैसे गाड़ी के व्हील के मैकेनिक्स होते हैं ना, इंजन के मैकेनिक्स, जिनका एक पर्टिकुलर काम है वही करने के लिए बनाया जा रहा है, बस वही था। इंग्लिश बोलनी है स्कूल में सिर्फ, हिंदी में बिल्कुल बात नहीं कर सकते, मेरी मातृभाषा में मैं बात नहीं कर सकता, ठीक है तुम्हें इंग्लिश सिखानी है वो डिफरेंट बात है, पर ये क्या मतलब हुआ कि घर में भी तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करके पूछा जा रहा है कि बच्चे ने इंग्लिश बोली कि नहीं, और अगर हिंदी बोली है तो उसको अगले दिन डांटा जाता था। डज दिस मेक एनी सेंस? और ऊपर से यहाँ के उतने ही बेवकूफ पेरेंट्स, यहाँ पर वो स्कूल में 4500 फीस देने को तैयार हैं, और उनको लगता क्या है कि इतनी फीस दे रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई लाइफ स्किल सीखे, कोई स्पोर्ट्स में जाए, नो 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 नो, उसका मतलब सिर्फ ये है कि इसको टाइटली मैनेज किया जाए, इसके नंबर अच्छे आए, और ये एक मशीन में कोग ऑफ द व्हील बन जाए, कि एक पर्टिकुलर पार्ट एक मशीन का जिसका वो ही काम है। ऊपर से मेरे स्कूल में हर तरह का स्पोर्ट्स ग्राउंड बना था, बास्केटबॉल, हर तरह के इक्विपमेंट सब कुछ है, क्रिकेट फुटबॉल की सब कुछ था, पर हफ्ते में पीटी का पीरियड कितना था? सैटरडे को एक, कितनी देर का? 45 मिनट्स का, और वो हफ्ते में एक बार है, मंथ में फोर बार है मंथ में, वो लगता कितनी बार था मंथ में पता है? एक बार, क्योंकि बाकी टाइम मैथ या इंग्लिश की टीचर वो पीरियड ही चुरा लेती थी कि मैम सब्जेक्ट नहीं हुआ है पूरा, हमें सब्जेक्ट पूरा कराना है, और स्पोर्ट्स खेल के क्या करोगे, स्पोर्ट्स से क्या हो जाएगा, लाइक ये उनकी मेंटल थिंकिंग थी। और वो जो बच्चे हैं, अगर तुम सोच रहे होगे कि इसमें क्या गलत बात है, पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट होती है, तो लेट मी टेल यू, पढ़ाई में भले ही अच्छे हैं ना वो बच्चे, पर वो अपनी फैमिलीज रेज नहीं कर सकते, वो अच्छे फादर्स नहीं बन सकते, उनको कोई लाइफ स्किल नहीं है, कुछ नहीं, उन्होंने आज दिन तक जिंदगी में एक लड़ाई नहीं की है, एक थप्पड़ नहीं खाया, किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा है, वो लिटरली फैट पीसीज ऑफ शिट हैं जो कि सोए बॉयज़ हैं लिटरली, उन्होंने सिर्फ गंद खाया है और गंद सोचते हैं, वो पोर्न से एडिक्टेड है, उनको फीमेल अटेंशन तक नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता, वो लिटरली वीक मैन क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसे ही वीक मैन अगर आज लड़ाई लग जाए इंडिया चाइना की, और जो मेरे स्कूल के बच्चे थे उनको अगर वहाँ पर भेजा जाए ना वॉर में, तो ये सब के सब रो देंगे उधर, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, फिजिकली अनफिट, सिर्फ मेंटल कैपेबिलिटी है, पर किस चीज़ की रटने की, उनको 1% भी किसी और चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, एक्चुअल स्किल कुछ नहीं होगा, ना वो वीडियोग्राफी कर सकते हैं, ना कॉन्टेंट मेकिंग, ना एडिटिंग, किसी भी तरह का स्किल नहीं, किसी भी तरह का, ना स्पोर्ट्स में, ना कंप्यूटर में, ना किसी भी चीज़ में, ना उनमें टॉकिंग स्किल्स हैं, बट वो क्या अच्छा कर सकते हैं, रट बहुत अच्छा सकते हैं, 8-8 घंटे बैठ के रट सकते हैं, किस चीज़ के लिए, IIT में जाने के लिए, JEE करने के लिए, लेकिन कोई जिंदगी है, फोर्थ क्लास में
बच्चों को फेल कर दिया जाता। टीचर्स फोकस किस चीज़ पे करते थे, मैं कल ही अपने पीटी की सर की वीडियो देख रहा था, मेरे को वहीं से इस वीडियो का आइडिया आया। उसने फेसबुक पे डाली थी स्टोरी, वो बच्चे प्रेयर करवा रहा था असेंबली में और बच्चे ने आँख बंद की थी और छोटा बच्चा सेकंड क्लास का, उसने आँख खोली, उसको दे थप्पड़ मारा, बोला क्लोज योर आई। डज दिस मेक एनी सेंस कि एक ऐसी चीज़ पे फोकस कराया जा रहे हो? ठीक है, आई एम ऑल फॉर होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल अप्रोचेस, पर इसका क्या मतलब है? मैं स्कूल जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, तुम मेरे से प्रेयर करवा रहे हो जबरदस्ती आंखें बंद करवा के, जिसके मन में श्रद्धा नहीं होगी फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रे नहीं करेगा। ऊपर से स्कूल की जो प्रेयर्स होती हैं वो किसी भी तरह से एक्चुअल तरीका नहीं है प्रे करने का, खड़े होकर एक मंत्र बोलो और एक गाना सुनते रहो और उसमें बच्चे की जबरदस्ती आंख बंद करा रहे हैं। लाइक स्कूल वाले कितने बड़े बबल में रहते हैं ना, उनको रियलिटी जैसे पता ही ना हो, वो टीचर भी वहीं पे 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी वही वर्ल्ड है। लाइक स्कूल के बाद कोई पूछता भी नहीं है कुत्ता कि तुमने प्रेयर की है या नहीं की है, पर स्कूल में इतना ज़्यादा फोकस, तुम्हारे जूते पॉलिश हैं कि नहीं, तुम्हारे टाई ऐसी है कि नहीं, शर्ट पर ऐसा कि नहीं, उन चीज़ों के फाइन लग रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। और मतलब बचपन में एज अ स्टूडेंट तुम्हें लगता है कि इससे बड़ी कोई दुनिया में चीज़ ही नहीं है, और बाद में पता लगता है कि यूजलेस स्किल है। अगर तुमने सीख भी लिया 10 मिनट ऐसे हाथ पकड़ के आंखें बंद करके जबरदस्ती प्रे करना, वो काम कहाँ का आया? कहीं पर काम आया, कॉलेज लाइफ में कोई पूछता नहीं, कुछ नहीं करता। आगे की लाइफ में क्या स्किल्स काम आते हैं? लोगों से बात करना, बिजनेस कैसे होता है, अप्रोचेस कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, सेल्स कैसे होती है, ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए ना। एक्चुअल स्किल्स सिखाओ, एडिटिंग सिखाओ, कोडिंग सिखाओ, टॉकिंग सिखाओ, स्पोर्ट्स सिखाओ, पर नहीं, इस चीज़ पर बिल्कुल फोकस नहीं होगा, उनकी फालतू की चीज़ों पर जितना मर्जी करा लो। और बात रही इनकी सिलेबसेस की, तो सिलेबस इतने यूजलेस, मेरे को ये बताओ 5th क्लास से नीचे के बच्चे को जो पढ़ाई करवाई जाती है उसका कुछ फ़ायदा है? किसी भी एंगल से कुछ फ़ायदा है? एक स्टडी हुई थी उसके मुताबिक अगर 5th क्लास में बच्चे दो ग्रुप लिए, एक को होम स्कूल करवाया, एक को स्कूल में भेजा जाता था, दोनों बच्चों को 6th क्लास में एक साथ पढ़ाया, दोनों का IQ लेवल सेम, दोनों की मेमोरी कैपेबिलिटी सेम, और पेरेंट्स ने अगर अच्छा पढ़ाया था तो वो उनसे भी बेटर बच्चे थे स्कूल वालों से, तो 5th क्लास तक जो स्कूल सिस्टम है वो इतना शिट है, वहाँ पर पेरेंट्स सिर्फ बच्चों को इसलिए भेजते हैं क्योंकि उनको थोड़ी देर ब्रेक चाहिए, या तो पेरेंट्स वर्किंग है और वो भेज देते हैं, घर में बच्चा क्या करेगा अकेला, या सेकंड वाला ये केस है बच्चों से मतलब ही नहीं पेरेंट्स को, वो घर पे रखना नहीं चाहते, सरदर्द होती है तो स्कूल में भेज दिया, या थर्ड केस ये है कि बेचारे पेरेंट्स जिनका टाइम है सब कुछ है और बेटर हैं टीचर से कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा, और वो फिर भी नहीं बच्चों को घर में पढ़ाएंगे, क्यों? क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर उन लगेगा, कैसे मैं अपने बच्चे को घर पे कैसे रख लूँ, वो तो अनपढ़ गुबार हो जाएगा। नर्सरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि ऑनेस्टली स्पीकिंग तुमने नर्सरी से 5th क्लास तक सीखा ही क्या ऐसा स्किल जो तुम्हें घर पे नहीं सिखाया जा सकता था? तुम क्या सीखते हो 1 से लेकर 10, 100 तक काउंटिंग प्लस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन या घर में नहीं सिखाई जा सकती है? साइंस में क्या सीखते हो कि फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, तुम एक्चुअल डेरिवेशन तो नहीं सीखते? तो ये तो हर चीज़ पेरेंट सिखा सकता है घर पे और सिखाना चाहे तो। और एक इमेजिन तुम्हें फैमिली में अगर होलिस्टिकली अच्छे से पेरेंट्स पढ़ाएं घर पे बिठा के, वो कितना बेटर है कंपेयर टू एक रैंडम स्ट्रेंजर टीचर के पास जाना, जो कि टीचर अपने हस्बैंड से लड़के आई है या जो मेल है वो अपनी वाइफ से लड़के आया, अपने बच्चे से गुस्सा है और वो गुस्सा स्कूल में उतार रहा है बच्चों को मार के डांट के, और 30-30 बच्चों को एक साथ क्लास में बिठाया जा रहा है, लास्ट के बच्चों पर बिल्कुल फोकस नहीं, स्टार्टिंग के बच्चों पर फोकस दिया जा रहा है, ये कोई लाइफ है? कूलिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट पीसेज ऑफ शिट इन इंडिया। बाहर फिर भी थोड़ा बाहर भी बुरी हालत है, मैं बोल रहा हूँ वेस्ट में बुरी हालत है, पर एटलीस्ट कुछ तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तुम अपने ढंग के कपड़े तो पहन सकते हो, अपने स्पोर्ट्स पे फोकस तो कर सकते हो, तुम्हें अगर स्पीकिंग पे जाना स्पीकिंग पे जा सकते हो, इंडिया में कर क्या सकते हो तुम? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दैट्स इट, उसी बबल में लाइफ रह जाती, प्रेयर कैसे करें, ये कैसे करें, स्टैंड मार्च कैसे करें, कुछ फायदा है उसका? मार्चिंग करवाते हैं सब, क्या बेनिफिट क्या है इस चीज़ का? स्कूलिंग सिस्टम इन इंडिया इज सो शिट कि आई थिंक आई हैव जस्ट वेस्टेड माई लाइफ स्टडिंग इन स्कूल एटलीस्ट 5th क्लास तक। 5th क्लास के बाद मैं मानता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी कि मैथ कैसे आगे का मैथ कैसे होता है, केमिस्ट्री कैसे होती है, फिजिक्स कैसे होती है, पर 5th क्लास से पहले एब्सोल्युटली बुलशिट है स्कूल। और स्कूल ठीक है, नर्सरी तक तो एक तरह से है ही गंदगी, एक और नई चीज़ आ गई प्ले स्कूल। प्ले स्कूल में पेरेंट्स बच्चों को भेज देते हैं, मेरे गाँव की आंटियाँ भेजती, मैंने पूछा आंटी क्यों भेज रहे हो इतने से बच्चे को, मतलब आप इसको क्या घर में नहीं पढ़ा सकते, क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो 1-2-3 भी नहीं सिखा रहे, पर नहीं वहाँ पर जिम है ये है वो, तो मतलब ये दिन आ गए आज कि तुम अपने बच्चे का करेक्टर डेवलपमेंट किसी और के हाथ में सौंप रहे हो, उसकी फिजिकल फिटनेस किसी और के हाथ में सौंप रहे हो, तुम क्या खुद अच्छा एग्जांपल नहीं बन सकते हो जो अपने बच्चे को वर्कआउट करना सिखा रहा है, पुशअप मारना सिखा रहा है, वो करवाते क्या है? प्ले स्कूल में काम क्या होता है? पढ़ाई नहीं करवाते, इतने छोटे बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, उनको बस बिठाए रखते हैं क्लास में, बस एक तरह से प्रिजन में भेज दिया कि उनका ध्यान रखा जाए, उनको कुछ हो ना, सड़क में ना आ जाए, हम लोग पेरेंट्स आराम से मजे में घर में रहेंगे। मैं तुम्हें यही बोलूंगा अगर तुम में से कल कोई भी पेरेंट बनता है ना, कंसिडर होम स्कूलिंग योर चिल्ड्रन, कभी भी उसको स्कूल मत भेजना 5th क्लास तक, इंडिया में वो लिटरली एक शीप बन जाएगा। एंड मैं लकी हूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ, बट मेरे को पता है सच्चाई क्या है, मेरे क्लासमेट जितने निकले सबके सब नल्ले बेरोजगार हैं, उनसे कुछ भी नहीं किया जाता है, उनमें कोई भी स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो रोट मेमोराइजेशन में एक्सपर्ट्स हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू सीट एवरीवन, पीस आउट।